अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही इजी रेसिपी, वो भी ब्रेड पुडिंग की। तो चलिए बनाते हैं। ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए 6 स्लाइसेस मैंने ब्रेड के लिए हैं, इसके अलावा 4 कप दूध लिए हैं, 1/2 कप नीम गर्म पानी लिए हैं। यहाँ पर मैंने दो कप शुगर लिए हैं, 1/2 1/2 कप करके। एक से मैं कैरेमल बनाऊँगी, एक मैं कस्टर्ड में डालूँगी। 3.5 टेबल स्पून मैं लूँगी मैंगो कस्टर्ड पाउडर। अब आपने ब्रेड के साइड्स को कट कर लेना है इस तरीके से। बाकी ब्रेड्स भी ऐसे कर लें। ये देखिए मैं सारे ब्रेड्स के साइड्स कट कर चुकी हूँ। जो साइड्स बच गए थे उसको आपने फेंकना नहीं है, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब आपने इसको स्मॉल स्लाइसेस में कट कर लेना है ताकि ब्रेड क्रम्स बनाने में आपको आसानी हो, इस तरीके से। मैं सारा कट कर चुकी हूँ, अब मैं क्रम्स बनाऊँगी इसके। ये देखिए मैं क्रम्स बना चुकी हूँ। अब आपने एक पैन लेना है और इसमें जो 1/2 कप चीनी थी वो डाल दें। 1/2 कप मैं कैरेमल बनाऊंगी, 1/2 कप से मैं कस्टर्ड में डालूंगी। आपने मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करिएगा। अब जो कस्टर्ड पाउडर था उसमें जो नीम गर्म पानी था थोड़ा सा डाल दे, एक साथ सारा नहीं डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ, चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुका है। अब आपने इस पॉइंट पे चम्मच चलाते रहना है ताकि चीनी नीचे लगे नहीं। फ्लेम प्लीज मीडियम ही रखिएगा। कैरेमल रेडी है, अब कैरेमल को निकाल लेते हैं। कोई से भी स्टैंड का बर्तन ले ले, स्टैंड का बर्तन लेना ज़रूरी है, और सेट कर ले कैरेमल को इस तरीके से। अब आपने लेना है एक पैन, उसमें डाल दे दूध, 1 कप मैं डाल चुकी हूँ। लास्ट कप भी डाल देते हैं। इसी के साथ मैं डालूँगी चीनी। अब आपने दूध को मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। आठ से दस मिनट के बाद अब आपने कस्टर्ड पाउडर डाल देना है इसके अंदर। चम्मच हिलाते रहे, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद अब आपने लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। अब आपने 2 टेबल स्पून के करीब या 3 टेबल स्पून के करीब थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड क्रम्स डाल दें, एक साथ नहीं डालिएगा। साथ में चम्मच चलाते रहे। मैं 2-3 बार डाल रही हूँ, एक साथ मैंने नहीं डाला, इसी तरह डालेगा। बाकी सारा डाल दें, अच्छे से कर लें मिक्स। ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर चुकी हूँ, आप उसको निकाल लेते हैं, इस तरह से निकाल लें। सारा मैं निकाल चुकी हूँ, अब इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब आप इसको अच्छे से कवर कर लें, मैं बटर पेपर से कवर कर रही हूँ। इससे ये होगा इसके अंदर पानी के ड्रॉप्स नहीं जाएंगे। यहाँ पर एक बड़ी पतीली ली थी मैंने जिसमें 3 से 4 कप पानी डाल दिया था और स्टैंड रख दिया है। आपके पास जो भी स्टैंड हो आप रख लें। अब आप इसको आराम से रख लें ताकि आपके हाथ वाथ ना जले। तकरीबन 40-45 मिनट के लिए आप इसको पकाएं लो फ्लेम पर।
45 मिनट हो चुके हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। 3 घंटे हो चुके हैं, मैं चेक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब आप नाइफ़ से अच्छे से ऐसे कर लें ताकि ये निकले आराम से। अब आप कोई सी प्लेट इसके ऊपर रख लें इस तरीके से। ये देखिए, ब्रेड पुडिंग रेडी है। आप इसको कट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपके लिए एक नई नई वीडियोस ला सकूं। बहुत ही इजी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।